स्टूडेंट, आज हम अपने व्याकरण की रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि हमारे UT1 के एग्ज़ाम की धीरे धीरे तैयारी होती चली जाए और आप सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा पहला अध्याय भाषा और व्याकरण की रिवीजन। तो आप सभी को जो तैयारी करनी है वो इसी प्रकार से करनी है, जिसमें आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड हो जाए, अर्थात आपकी परिभाषा वाले प्रश्न और जो आपके पाठ आधारित प्रश्न उत्तर हैं वो, साथ ही आपके ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसके अंदर एक आपको प्रश्न के 3 या 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, और उनमें से जो सही वो विकल्प होता है उस पर आपको चिन्ह लगाना होता है कि ये सही है या कोई दूसरा, जो भी आपको सही लगता है आप उसको टिक करते हो, सही या गलत का उस पर निशान लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम भाषा और व्याकरण में भाषा किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप याद करोगे, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण यहाँ तो केवल 2 दे रखे हैं, लेकिन जितने भी आपने प्रश्नोत्तर लिखे हैं, पाठ 1 के डेफिनेशन जो लिखी है, परिभाषा जो लिखी है उदाहरण के साथ, आप सभी उनको पूर्ण रूप से अपने सरल शब्दों में याद कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल किताबी लैंग्वेज लिख रहे हो, किताबी भाषा लिखो, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए, और वही समझ वाली जो आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों के अंदर जो आपको समझ में आया है, जो आपने समझा है, वही सारा आप बता सकते हो जब आपसे पूछा जाए या फिर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो। ठीक है, मतलब सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए जो सही है उस पर सही, यानी कि इसका चिन्ह लगाना है आपको सही का। जैसे भाषा के रूप होते हैं कितने, 4, 2, 5 कितने होते हैं, तो आपको ये बता होना चाहिए भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के अब आप बताइए, 1, 2, 3, 5 रुपये भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, मुखी भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा के 2 रूप हैं, 2 पे आप इसको सही का निशान लगाएंगे। सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा क्या होती है, जो बोलचाल की भाषा होती है जो सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, क्या कहते हैं उसे, हम उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपि क्या होती है, किसी भाषा को लिखने का जो प्रारूप है, लिखने का जो, लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्मित किए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और वहीं हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह कहलाते हैं लिपि। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। लिखित व्याकरण मराठी तेलुगु पढ़कर देवनागरी, अब इनको, इन जहाँ भी खाली स्थान है इन खाली स्थान में आपको भरना है, जो इसमें से सही आएगा वो आप इसको फिल करोगे। आप इसको देखिए और फिर इनके प्रश्नों को पढ़कर फिर आप इसको लिखेंगे उत्तर को ठीक से। जैसे यहाँ दिखाए गए हिंदी भाषा की लिपि डैश है, क्या है, देवनागरी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब आता है आपका रिक्त स्थान, आपका भाषा में बात लिखकर बताई और डैश समझी जाती है, डैश भाषा में बात लिखकर बताई और डैश समझी जाती है। लिखित भाषा में बात लिखकर बताई और पढ़कर समझी जाती है। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, लिखित भाषा में बात लिखकर और बताई जाती है और पढ़कर समझी जाती है। ठीक है, हम डैश से भाषा को शुद्ध रूप में बोलना पढ़ना और लिखना सीखते हैं। हम व्याकरण से भाषा को शुद्ध रूप में बोलना पढ़ना और लिखना सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र राज्य की भाषा डैश और आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा डैश है, क्या है, महाराष्ट्र राज्य की भाषा कौन सी और आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है,
ये आपको आप पढ़िए, आपने चौगा अध्याय पूरा पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आप लिखेंगे, इसके अंदर से जो भी आपको समझ में आता है सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है। यानी कि आपको समझ में आए तो आप वही वही लिख दोगे। आपको महाराष्ट्र की मराठी की तो मराठी लगी, और आपको तेलुगु लगी तो आपने तेलुगु लिखी है। इसके लिए अपना अध्याय पीछे से दोबारा से पढ़िए, फिर बताइए कि भाषा कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती है। ये ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आपके ऑलरेडी इसमें दे रखा है, ठीक है, सभी भाषाएं तो वो आपको करनी है। पर आपको केवल यही नहीं, आपको अन्य जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं उन सभी राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आपको याद करने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे केवल उन्होंने एक ही उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र राज्य में मराठी, चले जाओ मैंने बोल दिया है, तो महाराष्ट्र राज्य की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, मराठी भाषा है। और आंध्र प्रदेश राज्य की जो भाषा है वो है हमारी तेलुगु, ठीक है, ये हमारी आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा है तेलुगु, महाराष्ट्र राज्य की भाषा है हमारी मराठी। लेकिन ये तो केवल अभी एक ही प्रश्न पूछा है इन्होंने, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है आपको अलग अलग राज्यों की जो जो भाषाएं हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके लिखना है, दादाजी पार्क में घूमने गई है, तो ये गलत वाक्य है क्योंकि अलिंग संबंधी क्या है, त्रुटि है। आप इसको सही लिखोगे, दादाजी पार्क में घूमने गए हैं। माँ आज पुलाव पकाई है, आप क्या लिखोगे, माँ ने आज पुलाव पकाया है, या माँ आज पुलाव पकाएंगी, अब लेकिन है तो माँ ने आज पुलाव पकाया है। अब हम चलता हूँ, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो क्या आएगा, अब मैं चलता हूँ, या अब हम चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अंत में इसमें हूं है तो आप शब्द को बदल दिए, इसको ना बदल के अब मैं चलता हूं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वाक्यों को शुद्ध करने संबंधी अगर समस्या आती है तो आपको किस प्रकार से उन्हें सही करना है। आगे देखिए वर्ण विचार, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप को अच्छे से याद करने हैं, सारे जितने भी परिभाषाएं हैं उदाहरण है, और वर्ण विचार में आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए, कोई शब्द दे रखा हो उसके अलग अलग वर्णों को अलग करना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कमल बोल दिया आपको, तो आपको कमल शब्द जो है उसके किस प्रकार से हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ये जैसे क जो है पूरा क किस प्रकार बनता है, अलह क, और उसमें अ जब हम स्वर जोड़ते हैं तब जाके बनता है क, उसी प्रकार से म जो वर्ण है आपका, इसे मैंने लिख दिया माँ वन, माँ मैंने अगर लिख दिया वन तो ये कैसे पूरा होता है, माँ, इसको कैसे पूरा करोगे आप, इसको आप तब पूरा करते हो जब इसके अंदर आपने लिखा, ये हो गया आप माँ, माँ के नीचे हलन और आ, तो आपका बन जाता है ये माँ, ठीक है, माँ में आपका माँ आपका हलन था ये आधा माँ हो गया, इसमें हमने आ जोड़ा तो बन गया पूरा माँ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वर्ण विच्छेद, क्योंकि पूरा अध्याय ही आपका वर्ण विचार है तो सिर्फ वर्ण से संबंधित इसके अंदर अध्याय के अंदर हमें सारी सारा पढ़ना है। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है, वर्ण, वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित सही जो बना हुआ है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें सही रूप में लिखे गए हो वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर और डैश व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर और 33, 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम, वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वरों की सहायता से यानी हम बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, इसे हम डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें बोला है इन्हें हम डैश कहते हैं, मात्रा।
व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, इसे हम मात्रा कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने म के साथ अ जोड़ दिया, ठीक है, स्वर, तो स्वर का रूप बदल गया, कैसे क्या बन जाए, फिर ये ऐसे बन जाता है। ना मैं आ जोड़ा हमने आ, तो हलंत बन जाएगा वरना माँ, तो ये माँ बन गया, तो इसका रूप बदल गया, तो मात्रा बन गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, इसे हम मात्रा बोलते हैं। अगला अपना देखिए प्रश्न, दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक आपको लगाना है और देखें कहाँ आपका अनुस्वार लगे, कहाँ अनुनासिक। इस प्रश्न को आप स्वयं कीजिए और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न आपके सामने आएंगे, आपके UT1 में, UG2 में, या आपके मिड टर्म के एग्जाम में जो भी रहेंगे, तो इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं ये अनुस्वार अनुनासिक, ताकि आपकी गलतियां ना हो। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त तो व्यंजन कौन से होते हैं और द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त तो व्यंजन वो होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त अर्थात जुड़े हुए, संयुक्त दो स्वरों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को संयुक्त तो व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके चार संयुक्त तो व्यंजन होते हैं, कौन कौन से हैं? छ से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, और श्र से श्रमिक है, छ से क्षत्रिय है, यह से ज्ञानी है, और एक जो अन्य आपका होता है वो कौन सा है? त्रि से त्रिशूल। तो इस प्रकार आपको चारों संयुक्त व्यंजन आपको करने हैं और इनसे जो शब्द बन सकते हैं तो आप वो बताएंगे। अभी चार आपके कौन कौन से हो गए? त्रि से त्रिशूल हो गया, श्र से श्रमिक हो गया, छ से क्षत्रिय होगा, और हो गया आपका ज्ञ से ज्ञानी। तो ये जो चार आपके बने, इन चारों से आपको शब्द बनाने हैं, ये शब्द बनाइएगा आप इनसे। अब आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन आपको बहुत अच्छे से कराए गए थे, जब एक ही जो आपका व्यंजन होता है, जब दो बार वो आता है, एक ही व्यंजन दो जब दो बार आ जाता है, तो आपको वहाँ द्वित्व व्यंजन बन जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको ये बताया गया होगा कि जैसे त और त, गत्ता शब्द है, गत्ता, उसमें आधा त और पूरा त मिलके बन जाता है, जब एक ही जैसे समान व्यंजन जब मिलते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप ये द्वित्व व्यंजन करोगे, उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं हम, जैसे क और क, एक आधा क जोड़ा हमने और एक पूरा क जोड़ा, तो हमारा बन गया कक। जैसे अब इस कक से आपको बनाना हो तो कोई आप शब्द बनाइए, तक से बनाना था तो हमने गत्ता बनाया, ऐसे ही मक्का, म क का, मक्का, तो मक्का आपका शब्द बन जाएगा एक, ठीक है, गत्ता। ऐसे ही बाकी सारे शब्द बनाएंगे, पक्का, ठीक है। अब आते हैं नीचे दिए गए वर्णों से दो दो शब्द बनाइए, दो दो शब्द बनाने हैं आपको, प्र से, प र में हलंत जब आधा होता है और उसमें र जोड़ा जाता है तो वो नीचे आ जाता है, और इसी प्रकार से बन जाता है, बन गया प्र। जैसे अब इसके शब्द बनाने हैं आपको, जैसे बन गया प्रदीप, प्रवेश, म के ऊपर र है, क्योंकि ये कभी भी जो आपका र लगा है ये पहले कभी भी नहीं आता, किसी भी शब्द में आपको ये पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि र जो आधा है वो शब्द के आगे ऐसे लग के नहीं आता, तो ये पीछे लगेगा। जैसे आपका मर्म, कर्म, ठीक है, ऐसे ही आपको रू से बनाने हैं, तो आप रू से बनेंगे रूठ, रूठना, ठीक है, रुपया, एक आता है रुपया और एक आता है रुमाल, ये रुमाल में आएगा आपके, रुपया में नहीं आएगा, रुपया में छोटा रो होता है आपका। तो ट्र, यहाँ पे दे रखा है ये ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्र, ड्रम, ड्रामा, रू, ये आ गया छोटा रू आपका, रुमा, यहाँ पे आ गया आपका रुपया और रुक। अब आते हैं हम अपने तीसरे अध्याय पे, जो आपका अंतिम और तीसरा अध्याय आपका हुआ है व्याकरण में, तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो आपको शब्द की परिभाषा आनी चाहिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताने हैं आपको, तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषाएं बतानी है आपको, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो बताने हैं आपको, पता होना चाहिए विकारी जो शब्द है वो चार प्रकार के होते हैं, वो चारों आपको संज्ञा संज्ञा विशेषण क्रिया, जो ये चारों आपको याद होने चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। अन्य कोई शब्द जोड़ना है, इसमें आपको एक नया शब्द बनेगा, विद्या प्लस आलय
जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बनाया विद्या जमा आलय, तो बन गया विद्यालय। बैल प्लस डैश, तो आप बनाएंगे यहाँ पे जो आपका शब्द बनेगा टिकट प्लस डैश, तो आप बनाइए इसी प्रकार जैसे मैंने विद्या प्लस आलय बनाया विद्यालय। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों का सही शीर्षक से मिलान कीजिए। अब यहाँ पे जो सार्थक शब्द हैं उनको सार्थक से मिलाना है, जैसे वोटी वेली तो कुछ नहीं होता, सार्थक आपका एक हो गया पाठ, ठीक है। ऐसे हाथ, सार्थक आपका शब्द हो गया हाथ, नहर, चाय, कमल, अब बाकी जितने भी आपके बने शाय, निरर्थक, वेली, बाट, वोटी, वाणी, ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं। निरर्थक और जो सार्थक आपके शब्द हैं उनको मिलाना है। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं आपको, जो तत्सम दे रखे हैं इनके तद्भव रूप आप लिखोगे। ग्राम को क्या बोलते हैं? गांव। ऐसे ही बाकी सभी के आप याद कीजिए। रात्रि को रात, सर्प को सांप, चंद्र को चंद्रमा, दुग्ध को दूध, आम्र को आम। लेकिन केवल ये ही नहीं, आपको बाकी अन्य सभी याद करने हैं जो जो आपकी किताब के अंदर आपको दे रखे हो। तो चलिए, इस पुस्तक में तो अभी आपके केवल यही दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी व्याकरण की किताब में काम करवाया गया है वो सारा आप रिवाइज करेंगे, वो सारा आप लर्न करोगे। साथ में आपको अपने नोटबुक में जितना काम करवाया गया है वो सारी परिभाषाएं उदाहरण के साथ याद करनी है। पेपर जब भी आपका होगा आपकी प्रिपरेशन उससे पहले हो जानी चाहिए, यानी कि 20 के बाद जब भी आपको मिल जाएंगी आपकी डेट्स जो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जब भी आपके यूनिट टेस्ट होंगे उससे पहले आप अपनी रिवीजन अच्छे से रखिए, ताकि जो भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर दे सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, धन्यवाद।